नमस्कार दोस्तों, मैं किशन गार्डनिंग केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा एरोकेरिया प्लांट दिखाता हूं, जिसको हम क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे को मैंने 3 साल पहले लगाया था। जब मैंने इसको लगाया तो इस पौधे की हाइट केवल 7 इंच थी और ये पौधा मुझे 100 रुपये में मिला था। अब आप देख सकते हैं इसकी हाइट लगभग 1.5 से 2 फीट हो गई है। अब इस पौधे को नर्सरी से लाने जाएं तो इसकी कीमत कम से कम 500 रुपये होगी। इसके पत्ते सिमेट्रिकल शेप के होते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसी वजह से इस पौधे को सजावटी पौधे के रूप में हर घर में लगाते हैं। मैंने इस पौधे को 8 इंची साइज के गमले में लगा रखा है और 3 साल हो गए हैं। अब इस पौधे का रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया है। इसको कम से कम 16 से 18 इंची गमले में शिफ्ट करूंगा तो इसकी और भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सर्दी के मौसम में अक्सर ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक लेता है और कुछ डोरमेंसी में चला जाता है, मगर मेरे इस पौधे को आप देख सकते हैं, इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और अब भी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। यदि इसकी अच्छी केयर की जाए तो इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन कलर के और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यदि इसके पत्तों का रंग डल होने लगे तो आप समझ जाइए कि आप इसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। इसके पत्तों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पौधा हेल्दी है या नहीं है। यदि इस पौधे में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो इसके पत्ते झुकने लगते हैं और डल से हो जाते हैं। मेरे इस पौधे के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पौधा कैसा दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो बड़ा होने पर एक पेड़ का रूप ले लेता है। यदि इस पौधे को ज़मीन में लगा दिया जाए और अच्छी प्रकार से केयर की जाए तो इस पौधे की हाइट 30 से 40 फीट तक हो जाती है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। गमले में लगाने पर हम इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और ये धीरे धीरे ग्रो करता है। यदि आप इस पौधे को एक बड़े पेड़ का रूप देना चाहते हैं तो आप इसको ज़मीन में लगा दीजिए। ज़मीन में लगाने पर इसकी हाइट भी बढ़ेगी और इसकी ब्रांचेज भी लंबी हो जाएंगी। इस पौधे को इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में गमले में ही अधिक लगाया जाता है, जो अक्सर बालकनी में रखा जाता है। इसकी सिमेट्रिकल ग्रोथ करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके गमले को बार बार रोटेट करें। यदि आप इसकी लोकेशन को चेंज नहीं करोगे तो एक ही साइड इसकी ब्रांचेज लंबी बढ़ जाएंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप इसके गमले को रोटेट करते रहोगे तो इसकी सिमेट्रिकल ग्रोथ होती रहेगी। जहाँ से इसको सनलाइट अधिक मिलेगी उस साइड इसकी ब्रांचेज की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए इसके गमले को 1-2 हफ्ते के बाद रोटेट करते रहें। ये एक ऐसा पौधा होता है जो सेमी शेड एरिया में अच्छी ग्रोथ करता है। यदि आप इसको आउटडोर रख दोगे तो इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके इस पौधे का हरा रंग बना रहे तो आप इसको इंडोर ही रखें। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तों की हेल्दी ग्रोथ के लिए सहायक होता है। जितनी अधिक पौधों को नाइट्रोजन मिलती है उतनी ही उनके पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती है और पत्ते चमकदार होते हैं। इसके गमले की मिट्टी तैयार करते समय ही इसकी मिट्टी में अच्छी वेल कंपोस्ट हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दें, जिसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते गिरते नहीं हैं और हमेशा चमकदार बने रहते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पौधा होता है। आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। इस पौधे को खाद देते समय आप इसकी मिट्टी को डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप इस प्रकार किसी भी प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज इसमें कर सकते हैं। इस पौधे को हेल्दी रखने के लिए आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें।
इसमें ओवर वाटरिंग ना करें और गमले का ड्रेनेज होल चेक करते रहें ताकि एक्स्ट्रा पानी इसके गमले से बाहर निकल जाए। आपको ये पौधा कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।